गुड मॉर्निंग जी, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। बता दें, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है। तीरंदाजी की मिक्स टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। दीपिका कुमारी और प्रवीण जाधव की जोड़ी ने चीन के चिया एंड लिन और ची चुन तांग को 5-3 से हरा दिया है। क्वार्टर फाइनल मैच 11:04 पर आज होगा। शानदार शुरुआत भारतीय टीम की टोक्यो ओलंपिक्स में। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला दूसरा 11:04 पर होगा। और पंजाब कांग्रेस भवन में आयोजित समारोह में शिरकत करने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ चंडीगढ़ सेक्टर 11 थाने में मामला दर्ज किया गया है। कोविड नियमों के उल्लंघन के आरोप में आईपीसी और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। हालांकि इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पंजाब कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने वालों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने और मास्क न पहनने का आरोप है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू आज श्री चमकौर साहिब पहुंचेंगे, जहां वो राज्य के कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू आज मोरिंडा में गुरुद्वारा श्री कतलगढ़ साहिब में भी नतमस्तक हो सकते हैं। श्री चमकौर साहिब पहुंचेंगे नवजोत सिंह सिद्धू आज, चरणजीत सिंह चन्नी से मुलाकात की जाएगी। पहला दौरा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद यह नवजोत सिंह सिद्धू का चमकौर साहिब का। तो कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाल लिया है। सिद्धू की ताजपोशी समारोह में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी उनके साथ मौजूद नजर आए। तमाम पंजाब कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ दोनों ने मंच साझा किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कार्यक्रम में कहा कि जब सोनिया गांधी ने उन्हें बताया कि वो नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, तब मैंने कहा कि उनके फैसले का स्वागत है, मैं और नवजोत सिंह सिद्धू साथ में काम करेंगे। इस दौरान सीएम कैप्टन ने नवजोत सिंह सिद्धू को बधाई भी दी। नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी से पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभी पार्टी के नेताओं को, विधायकों और सांसदों को चाय पार्टी भी दी थी। मसला यह है कि अज पंजाब का किसान दिल्ली दिया ब्रूहां दे उत्ते बैठा है, जिनके मत से बनती हैं सरकारें, आज दर बदर सड़कों पे भटक रहे बेचारे। ये मसला है, मसला है। ईटीटी टीचर खड़े ने सड़कों के उत्ते, मसला है, मसला है। डॉक्टर खड़े ने नर्सा नु रहन नु थामी, मसला है। के कंडक्टर ड्राइवर धरनिया दे रहे, धरनिया ते बैठे है, यह मसला है। मसला मेरे गुरु का, यह मसला है। प्रधानगी जाखड़ साहब, पतवंत सजनों, यह प्रधानगी उन्हां मसलियां नूं हल करन दीआं उम्मीदां दी प्रधानगी है। अगर यह मसले हल हुंदे है तो यह प्रधानगी पनस्थली है, यह स्तर तीर्थ वर्गी है। अगर यह मसले हल नहीं हुंदे और मेरे गुरु का इंसाफ नहीं हुंदा ते कख नहीं है फिर कख। हुण जिहड़ियां गल्लां आपां नूं करनियां चाहीदियां ने, इस सियासत दे विच असीं दोनों इकट्ठे चलांगे। आपां ने पंजाब दा बेहतरी सोचनी आ, सिर्फ पंजाब ही नहीं, मैं इक गल तुहानूं दस्सां, पंजाब ही नहीं, साडी जिम्मेवारी साडे देश वल भी है। तो सानूं इह लड़ाई सिर्फ हुकूमत नहीं लड़ सकती, पंजाब के लोगों लड़नी पड़ी और उत्थे इन्हों का कदम इन्हें चकना पो। मेरी गल सुनो नवजोत, तुम उधर गल कर रहे हो, थोनों ये लड़ाई लेनी पेगी, लोगों को जोड़ना पौ और लोगों को आपां नूं बिल्कुल दलेरी नाल खड़ा करना पौ, ताकि जब चीन आए, पाकिस्तान आए, तालिबान आए, कट्ठे आए, जो मर्जी आन, जिथे मर्जी आन, असीं डट के खड़ा गए।
तो पंजाब कांग्रेस प्रधान की कमान संभालने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने किसानों के हक के में हमें ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि जनता की ताकत जनता को वापस देने के लिए प्रधान के रूप में मेरा पहला मिशन किसानों के हितों की रक्षा के लिए राज्य के हर संसाधन का उपयोग करना है। मैं किसान संघों से न केवल MSP और काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई में हमारा मार्गदर्शन करने का अनुरोध करता हूं, बल्कि राज्य किसान हितों की बेहतर सेवा कैसे कर सकता हूं इस पर भी ध्यान रहेगा। और हरसिमरत कौर बादल ने सिद्धू पर चुटकी लेते हुए ट्वीट किया, पंजाब के सभी कांग्रेस सांसद नवजोत सिद्धू की ताजपोशी में हिस्सा लेने के लिए संसद से गायब हो गए। उनकी प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं, जिन किसानों ने उन्हें चुना है उनके प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने के बजाय उन्होंने PPCC के नए अध्यक्ष की चाटुकारिता में लिप्त होना चुना। ये ट्वीट हरसिमरत कौर बादल की तरफ से। अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल ने भी ट्वीट किया, ट्वीट करके सिद्धू पर निशाना साधा, लिखा कि क्या ये राज्य अभिषेक था या कोई विश्वास मत द्वारा पंजाब कांग्रेस अपनी ही सरकार के खिलाफ पुराने प्रधान की तरफ से प्रस्तावित और नए द्वारा समर्थित पंजाब में आगामी चुनाव से सिर्फ 6 महीने पहले क्या किसी कांग्रेसी को अपनी सरकार पर गर्व करते हुए सुना है? सभी ने सुना, एक नॉन परफॉर्मेंस गीत था। और शिरोमणि अकाली दल के नेता दलजीत चीमा ने कहा कि नवजोत सिद्धू और सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच का कलेश सिर्फ ड्रामा था, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कैप्टन और सिद्धू सज धज कर ऐसे पहुंचे जैसे वो सच सामने रखेंगे, लेकिन उन्होंने नाराज किया। दलजीत चीमा ने बेअदबी, माफिया, कर्ज माफी, रोजगार समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। कांग्रेस के जेडे लीडर कहना चाहना कांग्रेस पार्टी नू के प्रधान बदल के तुसी डुबदी कांग्रेस की बेड़ी नू बचा नहीं सकते। अज लख कही जाओ कि कांग्रेस एक मुठा, कांग्रेस एक जोटा, ये तुसी हुण कोड ऑफ कंडक्ट लगन दिओ, सारी कांग्रेस तुहाडी लोकी बुरी तरह खिलार के रख देंगे। अगे भी खिलरी हुई है, रहिंदी खुंदी कसर हुण पंजाब की जनता जिहड़ी है वो तुहाडी करदी। ये हालत देखिए ना, जो खबरें इन्होंने पढ़ी अध्यक्ष जी ने ये सारा कुछ बयान कर दिती है कि किसान बॉर्डर पर है, ETT अध्यापक जो है वो हड़ताल पे है, डॉक्टर, नर्स, ड्राइवर, कंडक्टर, तो फिर किस बात की खुशी मना रहे हो? और लोक इंसाफ पार्टी के विधायक सिमरजीत सिंह बैंस के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अकाली दल ने 72 घंटों का अल्टीमेटम दिया है। बता दें कि रेप के आरोपों का सामना कर रहे सिमरजीत सिंह बैंस को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई, कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद से अकाली दल हमलावर रुख अपनाते हुए बैंस को गिरफ्तार करने की मांग कर रही है। क्लीयर देखता है दोषी अकाली दल की अख तो भज नहीं सकता है, तो अकाली दल कदे गल नूं परवाह नहीं करेगा कि एक अबला औरत दे नाल धक्का करन तो बाद कोई राजनीतिक सत्ता सरकार की मिल रही सपोर्ट के आसरे उस केस नूं दबण की कोशिश करे, कदे परवाह नहीं हो सकता। और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के प्रति जवाबदेह है। केंद्रीय मंत्री ने 7 साल के कार्यकाल में किसान कल्याण के लिए कई योजनाओं को अमलीजामा पहनाने का हवाला दिया। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि कानूनों को लाना किसानों को खुशहाल करने की दिशा में उठाया गया कदम है। साथ ही दावा किया कि ज्यादातर क्षेत्र के किसान सरकार के कृषि सुधारों के साथ खड़े हैं। कृषि मंत्री ने बताया कि हमने किसान यूनियन से बात की है और अपना प्रस्ताव दिया है, हम उनके प्रस्ताव पर भी चर्चा करेंगे, किसान संघ को इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। जहाँ तक किसान यूनियंस का सवाल है, उनकी आपत्ति है, पूरे देश के किसान, बहुसंख्यक किसान इस रिफॉर्म के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यूनियन के प्रति भारत सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। हमने उनसे लगातार बात की है, अपना प्रस्ताव भी दिया है और उन्होंने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, तो हमने कहा है कि आपका क्या प्रस्ताव है, आप लेकर आओ तो हम चर्चा करेंगे। यूनियंस प्रस्ताव तो लाए, बात काहे पे करना है, बात काहे पे करना है, बात का विषय होगा तो चर्चा होगी ना। पानी के मुद्दे पर हरियाणा सरकार के खिलाफ दिल्ली जल बोर्ड की अवमानना याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारी कमेटी की रिपोर्ट है कि दिल्ली को सही मात्रा में पानी मिल रहा है, अगर कोई दिक्कत है तो उसे हरियाणा से बात कर सुलझाएं। सुप्रीम कोर्ट ने एक जैसी याचिका बार बार दायर करने पर भी नाराजगी जताई।
दिल्ली में पानी की कमी के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराने वाली दिल्ली जल बोर्ड की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस मुद्दे पर गृह मंत्री अनिल विज का बयान भी आया है। अनिल विज ने कहा कि केजरीवाल सिर्फ झूठ बोलते हैं, पहले झूठ बोलकर ऑक्सीजन का कोटा बढ़वाया, फिर पानी का कोटा बढ़वाना चाहते थे। वहीं सिद्धू के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर भी अनिल विज ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि जहां सब कुछ बिगड़ा हो वहां कैप्टन बदलने से मैच नहीं जीता जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मैं स्वागत करता हूं और सुप्रीम कोर्ट ने जो दिल्ली सरकार को इस तरह की दरखास्तें बार बार कोर्ट में लगाने के लिए फटकार लगाई है, हमने पहले ही कहा था कि हम दिल्ली के हिस्से का पानी दिल्ली को दे रहे हैं और केजरीवाल जी जैसा इन्होंने पहले झूठ बोलकर ऑक्सीजन का कोटा बढ़वा लिया, उसी प्रकार से अब झूठ बोलकर पानी का कोटा बढ़ाना चाहते थे। पंजाब में कांग्रेस ने अपना कैप्टन बदल दिया है, ये उनका अंदरूनी मामला है, हमें इस पर कुछ नहीं कहना, लेकिन जहां सब कुछ बिगड़ा हुआ हो वहां कैप्टन बदलने से मैच जीता नहीं जा सकता। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लैंड रिकॉर्ड्स को लेकर बैठक की। बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला समेत गृह मंत्री अनिल विज और संबंधित अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक के बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि ई भूमि के जरिए प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन संबंधित 9 एजेंडों पर चर्चा हुई, जिनमें से 3 को किसानों के साथ आपसी सहमति से सेटल किया गया। पत्रकारों से बातचीत में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ के किसानों को दिल्ली भेजने के बयान पर कहा कि हम जो कहते थे वो सही साबित हुआ। अगर पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री इस तरह की काम करते हैं तो क्या राजनीति होनी रही? ये किसान के लिए जा रहे हैं तो अपने राजनीतिक सूझबूझ को देखते हुए अपनी राजनीति चमकाने जाने का काम या चमकाने का काम लोग कर रहे हैं। देखिए, मैं तो सबसे आग्रह करता हूँ कि केंद्र आज भी चर्चा को तैयार है, वो 40 लोग कहाँ है, चर्चा करे, इसको निपटवाने का काम करे। और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके कार्यालय में मुलाकात की। इससे पहले बंडारू दत्तात्रेय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मुलाकात कर चुके थे। बता दें कि हाल ही में बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा के राज्यपाल का कार्यभार संभाला है, वो इससे पहले हिमाचल के राज्यपाल का पदभार संभाल रहे थे। पंचकुला में हरियाणा के खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह की अध्यक्षता में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कार्य में लापरवाही बरतने पर जिला माइनिंग अधिकारी को सस्पेंड करने के आदेश दिए, जबकि डीटीओ पंचकुला को ट्रांसफर करने के आदेश उपायुक्त पंचकुला को दिए गए। जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में पंचकुला में माइनिंग की समस्या को लेकर एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए खेल मंत्री संदीप सिंह ने माइनिंग अधिकारी ओम दत्त शर्मा को सस्पेंड करने के ऑर्डर दिए। टोटल 13 बड़ी शिकायतें थी और आगे जो है 10 जो है उसको अगली मीटिंग में दोबारा से किया और उसके ऊपर एक्शन दिया गया है कि उनको किस तरीके से उसको समाधान करना है, और 3 केस को फाइल किया है जिसमें एक ऐसा बड़ा केस था माइनिंग को लेकर जो पिछले मीटिंग के अंदर हमने रिपोर्ट के लिए भी कहा था और क्या क्या ओवरलोडिंग के ऊपर काम चल रहा है, तो उसके जो RTO हैं उनको यहाँ से ट्रांसफ़र के लिए कहा गया है और माइनिंग ऑफिसर को सस्पेंड किया गया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट और अपने उसमें बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं की। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए हिमाचल में तैयारी जोरों पर है। इस सिलसिले में शिमला से विशेषज्ञों की टीम नाहन पहुंची, जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में मेडिकल कॉलेज नाहन के अधिकारियों के अलावा स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और जिले के सभी ब्लॉक स्तर के अधिकारी मौजूद रहे।
मीडिया से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी संजीव सहगल ने बताया कि टेक्निकल टीम ने खास तौर से ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि जिस भी सामान की आवश्यकता है उसकी रिपोर्ट उच्च स्तर के अधिकारियों को भेजें ताकि जल्द से जल्द उसकी व्यवस्था की जाए। शिमला में कांग्रेस पार्टी ने फोन टैपिंग मामले को लेकर राजभवन के बाहर धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री पर आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है।